जानते हैं कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति? ये है भोलेनाथ के जन्म से जुड़ा रहस्य। आइए जानते हैं। आजकल शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्य को जानने के लिए हम सब बहुत ही उतावले हैं। उन भक्तों के बारे में अगर मैं सोचती हूँ जो शिव भक्त है, तो उनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा और लालसा दोनों रहती है कि भगवान शिव जिसने सृष्टि को रचा है, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ, कैसे हुआ उनका जन्म और कैसे हुई उनकी उत्पत्ति। जी हाँ, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। कहते हैं भगवान शिव स्वयं भू हैं, जिसका ना कोई आदि और ना ही कोई अंत है। तभी तो उन्हें अमर अजर अविनाशी कहा जाता है। लेकिन अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्य को जानने की इच्छा शिव भक्तों को अवश्य रहती है। तो चलिए बताते हैं आपको पुराणों में वर्णित भोलेनाथ के जन्म से कुछ जुड़ी रोचक बातें। जन्म से जुड़ी है ये कथा। जी हाँ दोस्तों, जो कथा मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ वो भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर बहस हो गई। वो बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रहस्यमय खंभा दिखाई दिया, जिसका कोई और ना ही कोई छोर था। जी हाँ, तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंभे को पहला व आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब भगवान ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण किया तो भगवान विष्णु ने वराह का, और दोनों खंभों का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कड़े प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही है। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अनंत है। कुर्म पुराण में मिलता है इसका जिक्र। जी हाँ दोस्तों, इस कुर्म पुराण में भी शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उनके संचालक में कठिनाई होने लगी तो वे रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ था और मुख से रुद्र यानी कि शिव का। इसलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना गया है। विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए थे शिव। जी हाँ, विष्णु पुराण के अनुसार भी एक कथा काफी प्रचलित है। विष्णु पुराण में भी भगवान शिव के जन्म के बारे में वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है कि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि पौराणिक ग्रंथों व पुराणों में शिव से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। कहा तो ये भी जाता है कि शिव के 11 अवतार होते हैं, जिनके उत्पन्न व प्रकट होने की अलग अलग कथाएं होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी और बोले कि रहस्य जरूर पसंद आई होगी। जो रहस्य थी कि विष्णु और ब्रह्मा जी के तेज से और आंखों से उनके आंसू से प्रकट हुए थे भगवान शिव। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है या झूठी हम नहीं जानते, लेकिन हम बस इतना जानते हैं भोलेनाथ भगवान शिव अनंत है। उनका ना ही शुरुआत है और ना ही उनका अंत है। आप भी भोले के भक्त हैं तो आप मेरे साथ एक बार कहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके समक्ष ऐसी ही धार्मिक पौराणिक और रोचक कहानी कथाएं इस चैनल द्वारा आप तक साझा करती रहूंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।